কেমন খেতে হয়েছে? ভালো। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ पनीर कोफ्ता का रेसिपी शेयर करूंगी। तो अगर आपके घर में दूध फट गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि उस दूध का क्या करेंगे, तो चलिए बहुत ही एक इजी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उस दूध का हम लोग छेना बना के और उसी छेना से हम लोग पनीर कोफ्ता बना सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं पनीर कोफ्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ क्या क्या यूज किया है। मैंने यहाँ लिया है 1 लीटर दूध का छेना, 125 ग्राम चना दाल, 2 हरी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, और इसका हम लोग एक पेस्ट बना लेंगे। और इसी पेस्ट को छोटे छोटे बॉल्स में बना के इसको हम लोग फ्राई कर लेंगे। पकोड़ा को हम लोग गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और अभी देखिए कि ये पकोड़ा फ्राई हो चुका है, तो इसको हम लोग उठा के साइड में रख देंगे। तो यहाँ मैंने लिया है एक मीडियम साइज पोटैटो, उसको हम लोग छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है और उसको हम लोग अब ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो हमारा आलू फ्राई हो चुका है, इसको हम लोग साइड में रख देंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक तेज पत्ता, एक सूखी लाल मिर्च, खड़ी गरम मसाला और 1 टीस्पून जीरा है। तो इसको हम लोग तेल में फ्राई कर लेंगे। और अभी हम लोग पनीर कोफ्ता का ग्रेवी बना रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पे एक मीडियम साइज चॉप्ड अनियन डाल देंगे और अभी इसको फ्राई करते करते जब ये थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन फ्राई हो जाएगा, उसके बाद 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट, 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद अब इसमें 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और 1 टीस्पून धनिया, जीरा और गोल मिर्च का जो मेरे पास मिक्स पाउडर है उसका 1 टीस्पून हम लोग ऐड करेंगे। थोड़ा सा पानी देते रहेंगे ताकि ये मसाला मेरा जल ना जाए। अब एक मीडियम साइज टमाटर का प्यूरी ऐड करेंगे और मसाला को अच्छे से भूनते हुए मसाला को पकाएंगे और बीच में थोड़ा सा पानी देते रहेंगे ताकि मसाला अच्छे से पक जाए। अब इसमें 1 स्पून शुगर फ्री ऐड करेंगे। अगर आप लोग को कम मीठा खाना है तो आप लोग कम मीठा ऐड कीजिएगा। रोटी के साथ जो सब्जी खाते हैं वो थोड़ा सा मीठा होने से अच्छा लगता है। तो अब इसमें हम लोग ज़रूरत के हिसाब से पानी ऐड करेंगे। अगर आपको कम ग्रेवी बनाना है तो कम पानी ऐड कीजिएगा। तो पानी ऐड करने के बाद अब इसमें हम लोग जो फ्राई किया हुआ पोटैटो है उसको ऐड करेंगे ताकि पोटैटो सीज जाए। और पानी में उबल आने के बाद, पोटैटो हमारा सीज जाने के बाद, इसमें अब हम लोग जो पकौड़ा है उसको हम लोग ऐड कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में कुक होने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा 10 मिनट हो गया है, तो हमारा ऑलमोस्ट पनीर कोफ्ता रेडी है। अब इसमें हम लोग ऊपर से ग्रीन चिली चॉप करके ऐड कर सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा मीठा अगर ज़्यादा लगे आपको तो इसमें तीखा लाने के लिए आप थोड़ा सा ग्रीन चिली ऊपर से ऐड कर दीजिएगा। तो हमारा पनीर कोफ्ता रेडी है, इसको रोटी के साथ खाइए और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को ये रेसिपी कैसा लगा।